ह्यूमन सॉफ्ट लाइट वेव ट्रेनिंग वीडियो में खुश आमदेद। इस ट्रेनिंग वीडियो में मैं आपको बैंक रिकंसिलिएशन करना सिखाऊंगा। बैंक रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शंस के मेन्यू में बैंक रिकंसिलिएशन की स्क्रीन को क्लिक करने से ओपन होती है। सिस्टम में जब भी हम कोई बैंक से रिलेटेड वोचर डालते हैं, यानी बैंक पेमेंट या बैंक रिसीप्ट, इसके अलावा अगर कोई जेवी डला हो जिसके थ्रू बैंक अकाउंट्स में कोई चेंज आया हो, तो उन सब वोचर को रिकंसाइल करना जरूरी होता है। बैंक रिकंसिलिएशन से मुराद ये है कि वो वोचर जो पेड हो गए हों या क्रेडिट हो गए हों हमारे अकाउंट में, उनको सिस्टम के अंदर रिकंसाइल किया जाए। जब भी हम सिस्टम में कोई बैंक से रिलेटेड वोचर डालते हैं और उनको पोस्ट करते हैं, तो लेजर पे उसका इम्पैक्ट फाइनल हो जाता है। लेकिन बैंक से टैली करने के लिए ये जरूरी है कि हम बैंक रिकंसिलिएशन की स्क्रीन पर आएं और उनके स्टेटस को अनप्रेजेंटेड को प्रेजेंट कर दें, अनक्रेडिटेड को क्रेडिट कर दें, प्रोवाइडेड कि हमने बैंक स्टेटमेंट ली है उसके मुताबिक वो टैली कर रहे हों। आमतौर पे इसका तरीका ये होता है कि डेली या वीकली बेस पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट अपने रेलेवेंट बैंक से ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट मंगवाते हैं, फिर उस स्टेटमेंट पे जो जो क्रेडिट या प्रेजेंट हुए हों वो सिस्टम में जाकर भी क्रेडिट या प्रेजेंट करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन करने के बाद आपके सिस्टम में जो बैंक का बैलेंस आ रहा होता है, ये आपका असल बैंक बैलेंस से टैली कर जाता है। अब हम देखेंगे कि हम बैंक रिकंसिलिएशन सिस्टम में कैसे करते हैं। पहले नोट कीजिए कि यहां पर मल्टीपल अकाउंट्स आ रहे होते हैं। ये वो तमाम बैंक्स हैं जो आपने सिस्टम में डिफाइन किए हैं। आप इनमें से जिस बैंक को रिकंसाइल करना हो उसे सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहां पर दो टैब्स हैं, एक एक्टिविटी की और एक अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड व्यू की। जो अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड व्यू है, ये सिर्फ चेक करने के काम आता है कि कौन से वोचर अभी तक सिस्टम में अनप्रेजेंटेड हैं या कौन से सिस्टम अनक्रेडिटेड हैं और लेजर बैलेंस क्या है, बैंक बैलेंस क्या है, ये देखने के काम आता है। इस स्क्रीन की मदद से हम किसी भी डेट पे स्टेटस बैंक का ले सकते हैं। जो एक्टिविटी की टैब है, यहां से हम अनप्रेजेंटेड को प्रेजेंट कर सकते हैं और अनक्रेडिटेड को क्रेडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस एक्टिविटी की स्क्रीन का फंक्शन देखेंगे। हम इस स्क्रीन पे ये सिलेक्टेड को सिलेक्ट करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये ऑल पे होता है, और अनप्रेजेंटेड सबसे पहले हम देखना चाहते हैं और डिस्प्ले का बटन प्रेस करेंगे। ये करने के बाद हमारे वो तमाम वोचर्स जो सिस्टम में अभी अनप्रेजेंटेड हैं, यानी वो चेक्स जो हमने इशू किए हैं मुख्तलिफ लोगों को, बैंक से चेक कैश करवाने के लिए वोचर एंटर किए हैं, बैंक पेमेंट वोचर या किसी जेबी के थ्रू, वो सारे यहां अपीयर हो जाएंगे। ये वोचर हैं जिनका इंपैक्ट लेजर पे आ चुका है लेकिन हमारी बैंक स्टेटमेंट पे अभी नहीं आया। हम बैंक स्टेटमेंट बैंक से लेकर आए हैं और अब टैली कर रहे हैं। ये एक वोचर जो 10 अप्रैल का था, हमने ये सिस्टम में देखा कि ये 13 अप्रैल को कैश हो गया, तो सिस्टम में हम इसकी डेट यहां से 13 अप्रैल कर देंगे और इसको सेव प्रेस कर देंगे। अब ये वोचर 10 की डेट को सिस्टम में डला था और उसके बाद 13 में उसकी पेड डेट हो गई।
हम डिस्प्ले के बटन से रिफ्रेश करेंगे तो वो वाउचर यहां से डिसअपियर हो जाएगा। इसी तरह ये अगला वाउचर जो 17 अप्रैल को हमने बैंक पेमेंट वाउचर डलाया था, तो उसके बाद वो 25 अप्रैल को हमारी बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक किसी ने कैश करवा लिया, तो हम 25 अप्रैल डालकर इस वाउचर को हम यहां से चेक बॉक्स से चेक करेंगे। ये जरूरी है कि जिस वाउचर पे हमने ऑपरेशन करना हो उसको चेक करें और सेव का बटन प्रेस कर दें। उसके बाद जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास एक वाउचर रह गया 28 अप्रैल का। ये हमारी स्टेटमेंट के मुताबिक अभी कैश नहीं हुआ, इसलिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे। अब हम अनक्रेडिटेड को देखना चाहते हैं, तो अनक्रेडिट प्रेस करेंगे और डिस्प्ले के बटन को रिफ्रेश करेंगे। तो ये एक वोचर जो 3 अप्रैल को बैंक रिसीप्ट वोचर डला था, हमने चेक बैंक में जमा करवाया था और वो हमने बैंक स्टेटमेंट से चेक किया, तो 10 अप्रैल को ये हमें कैश हो गया, हमारे बैंक में क्रेडिट हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे और सेव का बटन प्रेस करेंगे, और अगर हम रिफ्रेश करें तो अब कोई अनक्रेडिटेड वाउचर नहीं है, जबकि अनप्रेजेंटेड वाउचर ये है। हम इस स्क्रीन से प्रेजेंटेड वाउचर्स भी देख सकते हैं और क्रेडिटेड वाउचर भी देख सकते हैं जो इस डेट से इस डेट तक आ रहे होंगे। अब ये डेट जो फ्रॉम डेट है हम ये भी सेट कर सकते हैं, और ये टू डेट बाय डिफॉल्ट सिस्टम की डेट आ रही होती है, बट हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी थी किसी भी अनप्रेजेंटेड वोचर को प्रेजेंट करने की और अनक्रेडिटेड को क्रेडिट करने की। कोई ऐसा वोचर जो गलती से हमने प्रेजेंट या क्रेडिट कर दिया हो, आप उसको अनचेक कर कर सेव करेंगे तो उसका स्टेटस वापस चेंज हो जाएगा। अब हम सिस्टम की दूसरी टैब पर आते हैं जो अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड व्यू है। इसकी फ्रॉम डेट आप देख रहे हैं कि डिसेबल है। ये हमेशा सिस्टम में जो सबसे पहला फाइनेंशियल ईयर डिफाइन होता है उसकी स्टार्ट डेट होती है और ये डिसेबल्ड होती है, और ये टू डेट बाय डिफॉल्ट आज की डेट आ रही होती है। हम इसको कोई भी डेट दे सकते हैं। इस डेट की मदद से हम सिस्टम का बैंक स्टेटस किसी भी डेट में देख सकते हैं। मसलन हमने ये 3 अप्रैल 2010 किया, तो सिस्टम ये बता रहा है कि 3 अप्रैल 2010 को हमारा बैंक बैलेंस 150,000 था, हमारा लेजर बैलेंस 170,500 था, और उस दिन यानी 3 अप्रैल को हमारा अनप्रेजेंटेड कोई चेक नहीं था और अनक्रेडिटेड 20,500 का था, और अनक्रेडिटेड की डिटेल ये हमारे पास चेक ये नजर आ रहा है, और अनप्रेजेंटेड देखा वो जीरो है, उसके अंदर कोई चेक नहीं है। ये ऑल करने से इस डेट तक के तमाम वोचर सिस्टम के वो यहां डिस्प्ले हो जाएंगे। इनका स्टेटस ये चेक्ड का मतलब ये है कि ये वोचर्स प्रेजेंट या क्रेडिट हो चुके हैं। हम अब इस डेट को अगर तब्दील करें तो 20 अप्रैल का स्टेटस हमारा सिस्टम बता रहा है कि बैंक का बैलेंस 1,45,500, जबकि उस वक्त लेजर का बैलेंस 1,27,500 था, और उस वक्त अनप्रेजेंटेड 18,000, जबकि अनक्रेडिटेड कोई नहीं था। वाजे रहे कि सिस्टम से करेक्ट बैंक बैलेंस किसी भी डेट का लेने के लिए ये जरूरी है कि जब हमने एक्टिविटी परफॉर्म की हो तो जिन जिन वोचर को हमने प्रेजेंट या क्रेडिट किया हो उसकी पेड डेट वो डालें जो बैंक स्टेटमेंट में पेड डेट अपीयर हो रही है। यानी अगर क्रेडिट हुआ तो जिस डेट को क्रेडिट हुआ पेड डेट में वो आना चाहिए, अगर वो प्रेजेंट हुआ तो जिस डेट में प्रेजेंट हुआ तो वो डेट हमें इस जगह सेलेक्ट करके फिर सेव करना चाहिए। इसका फायदा यह होगा कि हम एग्जैक्ट बैंक का बैलेंस अपने सिस्टम में किसी भी डेट पर ले सकते हैं।
सिस्टम बिल्कुल एक्यूरेट बैलेंस हमें बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक बताएगा। तो इस ट्रेनिंग वीडियो में हमने ये देखा कि हम बैंक्स को रिकनसाइल कैसे कर सकते हैं और रिकनसाइल हुए हुए वोचर्स का व्यू कैसे कर सकते हैं और किसी भी पर्टिकुलर डेट को हम किसी बैंक का स्टेटस अपने सिस्टम के मुताबिक देख सकते हैं। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। ह्यूमनसॉफ्ट लाइटवेव ट्रेनिंग वीडियो में खुश आमदेद। इस ट्रेनिंग वीडियो में मैं आपको बैंक रिकंसिलिएशन करना सिखाऊंगा। बैंक रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शंस के मेन्यू में बैंक रिकंसिलिएशन की स्क्रीन को क्लिक करने से ओपन होती है। सिस्टम में जब भी हम कोई बैंक से रिलेटेड वोचर डालते हैं, यानी बैंक पेमेंट या बैंक रिसीप्ट, इसके अलावा अगर कोई जेवी डला हो जिसके थ्रू बैंक अकाउंट्स में कोई चेंज आया हो, तो उन सब वोचर को रिकंसाइल करना जरूरी होता है। बैंक रिकंसिलिएशन से मुराद ये है कि वो वोचर जो पेड हो गए हों या क्रेडिट हो गए हों हमारे अकाउंट में, उनको